ये फंसा कैसे होगा इसमें? सुबह उधर था अभी फंसा थोड़ी, जब फोन किया था आपको तो इसने कुछ गंदा खा लिया था, कल ट्रीटमेंट करे गए थे। ये उल्टी करने की कोशिश कर रहा है ना, फिर पेन में भी एक टाइम है ना तेरे हरियाणा में बैल के उल्टी करते है तो इसको पेट में ही ना कुछ इसने खाया है कोई ऐसी चीज ना भाई। एक तो पेन किलर दे रहे हैं हम मेलनेक्स, जो इसने खाया है उससे क्या लुब्रिकेशन होगी, लुब्रिकेशन होगी तो लुब्रिकेशन होके वो बाहर आए। लेकिन सुबह तक शायद वो दर्द के मारे किसी नाली में गिर गया और वहां पे फंस गया। अब शुरू हुई इस भारी बैल को नाली से निकालने की जद्दोजहद। ज्यादा देर से तो नहीं था ना नाली में, रात को चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। इसको दर्द था ना, तो जैसे दर्द पड़े तो तोड़ रहा था उसमें कैल्शियम प्लस पेन किलर है। तो इसका पेट कैसे साफ करेंगे? वो हम पेट्रोल पिलाएंगे। जा नहीं अंदर, जा तो रहा है, पी नहीं रहा, बस स्मेल भी बड़ी गंदी इसकी, तो ये निकलेगा ना सारा। सही, इससे क्या होगा जो ये पिला रहे हैं सोल्यूशन से? वो ब्लोट खुल जाएगा इसका ना। अरे रुक जा, लेके जा रहे इसको ना, क्योंकि इसको ब्लूट लगाते हैं और यहाँ पे ये बार बार तड़प रहा है तो नाली में गिरेगा ना, लेके जा रहे। पकड़ रहा है ना? हाँ। क्या हो रहा है? जान लगा रहा है पर हो नहीं पा रहा, कहाँ ही उठ नहीं रही है, हाँ ऐसे झटके मार रहा है बस। डॉक्टर जा रहा है, देख हाइपोथर्मिया हो सर इसको, पर हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया ज़्यादा हो गया एकदम से, बहुत ज़्यादा 107 अंदर तो बहुत गर्म है। कल नहीं था मैं सर, कल नहीं था अंकित, इसका टैक्स अभी लोड कर रहा था, चल रहा था, तो टैक्स कल तो खड़ा था, मस्त खड़ा था, हां बढ़िया खड़ा था, उसके बाद चला था अंदर। कोनियों में, कोनियों में टांगों के अंदर, अंदर अंदर यहां। सर ये क्यों कर रहे हैं, हम बगल में क्यों लगा रहे हैं इसका स्पेक, ताकि थोड़ा टेंपरेचर डाउन हो। हुआ है सर टेंपरेचर वगैरह आया डाउन? 102.2। अरे क्या बात है सर, इसने खुरमानियां खाई हैं, एप्रिकॉट्स ये निकली है इसकी बॉडी में से, खुरमानियां हां, ये इसकी वजह से हो रहा था। ये तो हीट स्ट्रोक था, पर इसको अंदर इंपैक्शन बहुत है, पेट सख्त बहुत है, वैसे ही मेरे से भी हो सकता है। एक और गुटली निकाली इसने, पहले ऐसे पकड़ा, 101.6 कम हो रहा है ना, फॉइस करने के लिए देखते हैं खड़ा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो थोड़ा सा बैठा था भी फिर लेट गया। डॉक्टर बोले हां जी सर, वो जिनके लिए पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी, हां पलटेगा ना तभी ना, बोले हमारी मीडिया टीम भी यहां लगी है सर, रेस्क्यू पे गए ना बाकी लोग हमारे। पिछली टांगे अकड़ रही हैं यार, झटका मारे नवीन भाई, जॉइंट पे, जॉइंट पे, हाँ तेरा एक ही गुंड मारा इसने। डॉग की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की नीड है अभी उसे, बस पड़ी हुई है एक जगह पे ना, बहुत पहले हमने इसकी ट्रीटमेंट की थी स्किन कंडीशन के लिए, अभी फिर से दोबारा इसके लिए कॉल आई है। इधर भी स्कूल में भी पूरा ऐसे बरंडे में पूरा नीचे पूरा खूना खून था। अच्छा, अरे खून निकल कहाँ से रहा है उसका? उसका वो चमड़ी से निकल रहा है भाई। अच्छा। इधर ही होगा बैठा कहीं तलन था भाई, ट्रीट ऑन स्टेट किया था इसका, निकला ही बार पहचान लिया आपको उसने तो, बच गई, छूटने वाली थी जस्ट। ये तो दबे पाँव है रोकी हुई मैंने यहाँ पे, नहीं तो ये भाग जाती सही में इसको, और तो अरे मीडिया वाले को भी आगे नहीं जाने दिया मैंने पहले यहाँ पे बैठी थी
चाचा की शक्ल देख के वो निकल गई। मैंने पकड़ी ये दो तीन बार पहले। हाँ वो डर गई, बोले वापस आ गए ये लोग। बहुत तंग किए थे भाई, पूरा बरंडा ये वाला पूरा स्कूल का बच्चे खाने नहीं खा रहे हैं। वो आराम से आ गई। कौन बोला मेरे को याद नहीं किसी को। रेस्क्यू कॉल करने वाले लोग कई बार अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बात में थोड़ा फेर बदल कर देते हैं। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो कहीं और कोई असल में अर्जेंट केस हो वो हमसे छूट सकता है, और दूसरा फिर भेड़िया आया वाली बात हो जाती है और हमारा कॉल करने वालों से विश्वास उठ जाता है। दीदी इसकी स्किन में से निकल रहा है ब्लड इतना। ये देखो जैसे वो कर रहे हैं ना तो इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग निकल रही है। एक जान जान उसको दबा रहे हैं ना, ब्लड आ रहा है बाहर। इन्फेक्शन है भाई। ब्लड ही साफ कर रहे हो ना? हेमाटोमा ब्लड जो उसके अंदर ना। हेमाटोमा ब्लड, गंदा ब्लड बोलते हैं। डिटर्जेंट से जो कि डाइल्यूटेड है साफ करेंगे हम इसको। आइस ऑन कराओ, आइस ऑन करो बच्चे। पेन किलर पकड़ के इसको इच्छो। क्या हुआ ब्लॉन्डी को? डायरिया लगा हुआ उसको बहुत ज्यादा, पतला पतला पानी जैसे। देखो ना सर ये क्या किया उसने, सबसे बड़ी बात तो ये इसको देख के हमको ऐसा लगा क्या होगा। देखो खून की वो आ रहे मांस के टुकड़े, ये देखो बिल्कुल पानी कर रहे, बिल्कुल पानी। ब्लॉन्डी तो क्या हो गया? ब्लॉन्डी हमारी रेजिडेंट गाय नहीं है, ये यहाँ पे वेजाइनल इंजरी की वजह से एक महीना पहले आई थी, पर ये रेजिडेंट काउ शेड में इसलिए है क्योंकि हमारा जो रिकवरी एरिया है वो तो ठसा ठस भरा हुआ है। रुक गया। नहीं, बस 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 खड़े खड़े। रुके रुके, कितना है बुखार है? बस 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 बच्चा, बस खा ले। पक्का सर डायरिया में ही किया है ये? हाँ मेरे सामने तो नहीं खड़ा था जब किया। क्या हो सकता है? तो मांस के टुकड़े हैं और ये म्यूकोसल शेड्स हैं, देखना पड़ेगा किस वजह से हैं ये। इन्फेक्शस तो है ही है कोई, अभी तो हमने सिर्फ डायरिया रोकने के लिए मेडिसिन दी है, हम चेकअप करने आए थे अभी तो। उसको ट्रीटमेंट अभी ज़रूरी है तो मैं डब्बा तैयार कर रही हूँ उसके लिए। क्या हुआ? वो हम लोगों को एक कॉल आई थी ना, अभी हॉर्स है 3 दिन से पड़ी हुई है एक जगह में। पेट में दर्द है, खाया कुछ नहीं है। ये पूरे रात ये देखो कितनी की सिस्टम आ रही है। नहीं नहीं आपको कैसे पता कि पेट में दर्द है? कि पेट में दर्द होता तो घोड़ा लात मारता है, उठता है बैठता है लेटता है। हां उठता बैठता 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 ना ऐसे ऐसे पलटा मारता है, कोशिश कर रहा है पर उठ नहीं रहा है, एक पैर इसका नहीं काम कर रहा है। हां एसी में है इसके कुछ पार्ट है। ये घोड़ी किसका है? इनकी है। 2 दिन पहले दर्द ही। तो आपने तब इलाज क्यों नहीं कराया जब पेट में दर्द थी आपको पता लगा? तो दवाई खाती नहीं ना। आपको कैसे पता कि खाने से दवाई देंगे? अभी तो इंजेक्शन है होता है इनका दर्द का, जब पेट में बर्ड पड़ता है इनको इंजेक्शन लगाते हैं फिर फ्लूड चढ़ाते हैं। ये पिलाओ उसको दोनों बोतल। जी छोड़ दो यहाँ पर खा लेते जो पेट में फंस जाता है, इसकी वजह से ये फिर बट पड़ते हैं इनको। इनके पेट में दर्द है तो खाती है कुछ नहीं है? नहीं खाती है ना, पानी पियेंगी ना खाएंगी। दर्द का इंजेक्शन दिया तो उससे फ़र्क पड़ेगा टांग के दर्द में भी और ऐसे भी। इस घोड़े को कोलिक हुआ है, कोलिक में जैसे पेट में दर्द होती है वैसा, लेफ्ट वाला जो हिप जॉइंट है वो भी थोड़ा डिसलोकेटेड लग रहा है, तो पैरासिन भी पिला के कहीं पे कोई गांठ बनी है कुछ फंसा हुआ है तो ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट होकर आगे तक पहुँच जाए रेक्टम तक, ताकि हम उसको फिर हाथ डाल के निकाल लें परेक्टल करके। शाहपुर वाले बेलकुम नहीं ले जा पाए, बहुत कोशिश की थी, मतलब जो कर सकते थे है ना, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी जब जब उसने वो किया है, क्योंकि वो भी मुश्किल हो रहा था बेचारे के लिए। यहाँ पे चैनल का डाई हार्ड फैन है, कोई कुत्ता दिख जाता है पीला दिख जाता है उसको उठा के ले आता है, उसके लिए रात को जग के बिस्किट खिलाता है उनको, उनके पट्टियाँ करता है, दवाइयाँ लाता है उनके करता है, बस यही है इसके दिमाग में। यहाँ तक चढ़ जाते हैं, इसको डर नहीं लगता उन्हें, उनके मुंह में हाथ डाल लेगा कुछ भी कर लेगा। देखिए भैया कैमरा के पीछे तो बहुत बोलते हो, हाथ चुप। भाई चार्ली और जो नई घोड़ी आई है उसको ले जाना है, नाम तो पता नहीं क्या, चाची बोल रहे कुछ। चाशनी चाचनी चाशनी। इसकी चोट तो ठीक होगी ना सारी? हाँ है थोड़े 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 बहुत जख्म रह गए ना। बस बस पालमपुर जाना, चल 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 पालमपुर नहीं जाएगा ये भाई, बड़ा डीट है ये। इसके साथ साथ चलो, खींचो मत इसके, उस दिन उसने बताया था ना कि इनके साथ साथ चलते तभी चल लेते हैं। साथ में पीछे जा रहा है, कोई नहीं अगर पीछे जान दो तो इसको घुमा लो पीछे से ना। चल 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 चल
जो यहाँ यहाँ से भी गया वो। आगे 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 मत होना, आगे मत होना, साथ साथ रहना, साथ साथ। चार्ली और चाशनी को हमें वहाँ इको विलेज शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेस है, वहाँ पर जाके इनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। चलो चार्ली आ जाओ बेटे, सेंचुरी जाना है हमें, आ जाओ। चार्ली तेरे पुराने दोस्त आ गए। सारे मिलने आ गए इससे। ओके 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 हो गया ओके। ये घोड़े खच्चर वहीं पे लौटते पोटते हैं जहाँ पे ये सेफ महसूस करते हैं। तो चार्ली और उसके दोस्त तो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन भारत के बहुत सारे जानवर अनसेफ होने जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे एक तरफ हमारे यहाँ से लाइव एनिमल का एक्सपोर्ट यानी कि जो जानवर कटने के लिए जिंदा UAE और वियतनाम भेजे जाते हैं वो बंद हो जाना चाहिए था, बल्कि ये जो एक्सपोर्ट है और सशक्त होने जा रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बोला, दसियों हजारों लोगों ने सरकार को मेल भी करी है। तो देखिए क्या होता है, पर फिलहाल लोगों के दिमाग में इस मामले को ताज़ा रखने के लिए हमें मीडिया का सहारा लेना होगा। तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, ये जो रील्स है वहाँ पे मीडिया को टैग करिए ताकि मीडिया बजाए कि लोगों को सिर्फ ये बताता रहे कि भाई देखो बैलों और कुत्ते जैसे जानवर जो हैं उन्होंने लोगों को कितना परेशान कर रखा है। मीडिया ये बताए कि देखो लोगों ने जानवरों को कितना परेशान कर रखा है।